हाय, हम करेंगे साइकोलॉजी 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस अगले 5-6 दिनों में। 24-25 को एग्ज़ाम है और आज 14 तारीख है। 17 के बाद आपके एग्ज़ाम्स PCBM ख़त्म हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए 5 दिन, कॉमर्स वालों के लिए शायद 3-4 दिन है, और साइंस वालों के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये सिलेबस स्टार्ट किया है और ये तैयारी शुरू की है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1। 5 दिन में पहली बात मैं बता दूं कि अगर आपने साल में पढ़ाई नहीं करी है तो भी आई कैन मेक यू गेट 95 मार्क्स तक इन योर बोर्ड एग्जाम्स। 100 भी मिल सकता है, आराम से 3 दिन में हो सकता है। मैं चाहूँगा कि मैंने एक प्लान बनाया है 1,200 रुपीज़ का, ये आप एनरोल करिए और आपको मैं लाइव रोज़ कराऊँगा, खुद कराऊँगा, ठीक है? तो फिलहाल हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ये कि भाई चैप्टर 1 का बेसिक्स करा दूंगा, और आपको एकदम डिटेल में चाहिए तो फिर आप ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी चैप्टर 1 की। अब भाई मैं तो कोई स्कॉलर या भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, आपको बताऊँगा कि मार्क्स कैसे लाने बोर्ड एग्जाम में, मेरा उस चीज़ से मतलब है। 100 पेज की बुक है, 100 मार्क्स है, ठीक है? अब ये रहा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है, साइंस का मीनिंग क्या है, साइकोलॉजी का हिस्ट्री क्या है, रिसर्च मेथड्स कौन से होते हैं और चैलेंजेस क्या है। 4 पार्ट्स हैं और रैशनलिटी का एक पार्ट है, और इसमें से काफ़ी कुछ सिलेबस कैंसिल भी है, लेकिन हम बहुत कुछ करेंगे ताकि अगर वो कैंसिल सिलेबस न आ भी जाए तो भी हम तैयार रहें, राइट? तो पहला पार्ट हम करेंगे रिसर्च मेथड इन साइंस। उल्टा फुल्टा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको सिखाता हूँ, विश्वास रखो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना? रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च कैसी होती है साइंस में, तो रिसर्च ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, किसी न किसी रूप में आ जाएगा। और इसमें से क्या होता है कि आपको ये सब बोलना है कि रिसर्च का एक होता है सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड में क्या होता है, प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, जिससे आप लिखवा रहे हो, जो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्डेंट्स, ओके? टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम सैम्पल्स फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो उसमें आपको ये लिखेंगे, डू यू लव वॉर्स, वॉट डू यू थिंक अबाउट यूक्रेन रशिया वॉर, ऐसा कुछ आप बना के भेजोगे सर्वे, है ना, येस नो वाला। दूसरा है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन में आपको ये लिखना है कि इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड एंड बिहेवियर इज ऑब्जर्व इन नेचुरल और लैब सेटिंग। बस ये की वर्ड है। अब इसमें शॉर्ट नोट भी आएगा, 2-3-4 मार्क के आते हैं, और फुल फुल में आएगा तो बोलेंगे व्हाट आर द रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ गए कि ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। कोई भी टॉपिक हो आपको लिखना ये ज़रूर है, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ बस उतना ही लिखना है, और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इट इज़ यूज बाय चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट। यूज़ के बारे में यही एक टॉपिक है जो यूज़ के बारे में पूछता है पूरे पूरे चैप्टर में, है ना? केस स्टडी मेथड, केस स्टडी में आप एक बंदे का केस लेते हो, तो यू कैन टेक द नेम केस ऑफ योर फ्रेंड, ओके, व्हाट इज एक्स वाई जेड फ्रेंड इज डूइंग, राइट? सो दो लोग इसको यूज करते थे, सिगमंड फ्राइड बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, और जीन पाइकेट जो ह्यूमनिस्टिक वाले हैं, है ना? तो ये दोनों ने इज अ इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। बस आपको ये चीज पे ध्यान देना है, इट इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है? अब ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, फाइन? नेक्स्ट आपको ये बताया जाएगा, मैं आपको सब कुछ एक एक करके बता रहा हूँ। सॉरी, ये पहला वीडियो है तो जरा आप मेरे अभी मेरे पास वो स्टैंड नहीं है, वरना मैं नेक्स्ट टाइम बना दूंगा। मुझे बताइए ग्रुप कमेंट्स में कि वीडियो अच्छा आ रहा है कि खराब आ रहा है, और मैं चेक नहीं करता, आपके फीडबैक पे मैं वर्क करता हूँ। आई एम वेरी लेजी, क्रिएटिव पीपल लेजी होते हैं, तो हम खुद को क्रिएटिव भी कहते हैं, वाह। तो आपको ये क्रिएटिवली ये चैप्टर करना है भाई, दिमाग लगाना है, दिमाग से मार्क्स लाने हैं, है ना? टाइम कम है, सिर्फ मेरा वीडियो पढ़ लोगे तो भी आप अच्छे से मार्क्स ले आ पाओगे, फेल होगे तो 80 मार्क्स, पास होगे तो 95, मेरा डायलॉग है हमेशा का, मैं आपको वैसे कराऊंगा, है ना? तो ये बात हो रही है कोरिलेशन की। कोरिलेशन मेथड क्या होता है, एक और मेथड है कोरिलेशन वाला। कोरिलेशन में ये है, इट इज़
इट मेक्स यूज ऑफ कोरिलेशन एज अ स्टैटिस्टिकल टूल टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन टू पीपल. फाइन, तो ये चीज़ हम डिटेल में अभी बाद में करेंगे, पहले हम ये कर लें अपना बाकी मेथड्स. केस स्टडी कर लिया हमने, ऑब्जर्वेशन कर लिया, सर्वे मेथड कर लिया, राइट. सर्वे मेथड में गिवन क्वेश्चन इज गिवन टू द टू अ प्री डिटरमाइंड कंट्रोल ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स. ये हो गया. और ये आ गए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड पे. एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड्स. इसमें एक्सपेरिमेंटर कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट. क्या है? एक्सपेरिमेंटर कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट, दैट्स इट. अब इसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, ओके, देन यू डेवलप अ हाइपोथेसिस, यू डेवलप अ प्रोबेबल थ्योरी व्हाट मे बी द रीजन. हाँ, साइंस वर्क्स ऑन तुक्का, तुक्केबाजी कहते हैं हिंदी में. साइंस वर्क्स ऑन दैट. वाव. सो देल डू अ तुक्का एंड देल चेक दैट तुक्का कि ये सही है कि नहीं. मैंने आई जस्ट प्रिज्यूम. प्रिजम्पशन से इम्पॉर्टेंट. ऐसे होता है ना मैथ्स में, फाइंड एक्स एंड वाई, तो बोलते लेट दिस नंबर बी एक्स, द आंसर इज एक्स. सो साइंस इज वेरी वियर्ड, नो फनी. सो दे डेवलप अ हाइपोथेसिस, देन दे सेलेक्ट एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ओके, देन दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, देन दे कलेक्ट डेटा एंड देन दे ड्रॉ देयर कंक्लूजन्स कि दिस तुक्का, दिस थॉट मे बी इज करेक्ट और रॉन्ग. इफ इट इज करेक्ट, इट बिकम्स अ थ्योरी. वाव, गुड. नाउ दिस विल बी द क्वेश्चन आस्क्ड. यू कैन राइट वॉट एवर यू कैन रिमेम्बर दीज थिंग्स. मैं जो वर्ड बता रहा हूँ प्लीज उतने ही वर्ड्स करना, ज्यादा लिखने से कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले. ओके, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में पहला है प्रॉब्लम, सेकेंड है हाइपोथेसिस, थर्ड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फोर्थ है डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि इफ यू वांट टू स्टडी कि म्यूजिक का ब्लड प्रेशर पे और म्यूजिक का स्टडीज में क्या असर पड़ता है. यहाँ का एग्जांपल ले लेंगे, म्यूजिक का ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है. तो म्यूजिक इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन द म्यूजिक. सो ब्लड प्रेशर बिकम द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. एंड देन यू हैव इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, अदर थिंग्स, तो एज, जेंडर, एटसेट्रा. एक्सपेरिमेंटर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, पार्टिसिपेंट इज द पर्सन ऑन हुम द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, दैट्स इट. बस, तो ये हो गया पहला मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, राइट. फिर दूसरा है सर्वे मेथड, तीसरा है केस स्टडी, राइट. यू गॉट दोज मेथड्स. तो ये है रिसर्च मेथड्स. वेट, आई एम जस्ट एनलार्जिंग एंड सॉर्टिंग इट, गिव मी मोमेंट. सो एक्सपेरिमेंटल मेथड देख लिया हमने, राइट. देन वी गो डाउन, वी हैव डन दिस सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, राइट. हमने ये लिख लिया और एक ये आपको एग्जाम में लिखना है, गाइड गाइस. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट हम सेकेंड वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है ना इसके लिए. ओके, सी यू अगेन.